मंदसौर के रावटी गांव में प्रशासन के अमले ने तस्कर के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया। वहीं सीतामऊ टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया है कि पिछले दिनों 10 क्विंटल डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी राहुल और उसके पिता 22 जून से फरार चल रहे हैं, जहां आरोपी राहुल पर 10,000 का इनाम भी घोषित है। अवैध निर्माण की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। सीतामऊ तहसीलदार वैभव जैन सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शासकीय जमीन पर बने अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। आज सीतामऊ तहसील के रावटी गांव में एक शासकीय सर्वे नंबर पर 109/110/500 के लक्ष्मीनारायण पाटीदार द्वारा एक अवैध मकान निर्माण किया गया था, जो लगभग 4500 वर्ग फीट में फैला हुआ था। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाकर अभी अतिक्रमण तोड़ने का कार्य जारी। लक्ष्मीनारायण पाटीदार निवासी रावटी से 10 क्विंटल डोडा चुराए मिला है। ये आरोपी फरार है और लगभग 10,000 का इनाम मान्य पुलिस अधीक्षक।